बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सारण पुलिस एवं उत्पाद विभाग की टीम जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार अभियान चला रही है। सारण एसपी के निर्देश पर शहर के दियारा क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में अभियान चलाकर 10 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहीं 16,000 लीटर पास को विनष्ट कर 450 लीटर चुलाई शराब जब्त किया गया है। इस मामले में एसपी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शराब की बिक्री और स्टोरेज को लेकर विशेष अभियान के तहत शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा भी एक दिन पूर्व शहर के दिलिया रहीमपुर क्षेत्र में छापेमारी कर एक दर्जन से अधिक शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। उस दौरान उत्पाद अधीक्षक रजनीश कुमार ने बताया कि रिवलगंज थाना अंतर्गत दिलिया रहीमपुर में छापेमारी के दौरान 50,000 किलोग्राम जावा महुआ को विनष्ट किया गया। वहीं मौके पर एक दर्जन से अधिक शराब भट्टियों को ध्वस्त करते हुए शराब निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले ड्रम को बर्बाद कर सब कुछ तहस नहस किया गया। वहीं हजारों लीटर चुलाई शराब को जब्त कर बड़ी कार्रवाई की गई। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा।